إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين والضالين فنزل من حميم فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم एक दफा सूरह फातिहा वहां के मोहम्मद वाले मोहम्मद हमें जो कुरान पाक की तलावत याशा साहब ने की है और जितनी भी सूरह फातिहा पढ़ी है इसको हम हदिया करते हैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की खिदमत में और इसका सवाब तमाम मरहूमीन की अरवाह को बख्शते हैं जो मरहूमीन जो हाजरीन महफिल हैं और जो नहीं हैं यहाँ पर मौजूद परवरदिगार वहाँ के मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके इसका सवाब उन मरहूमीन के नामा आमाल में दर्ज फरमा उनके गुनाह कबीरा और सगीरा माफ़ फरमा अपनी रहमत और बरकत मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके उन पर नाज़िल फरमा और जो बेरोज़गार हैं परवरदिगार जो वास्ता है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का और इस तलावत का परवरदिगार उनको रोज़गार अता फरमा बे औलादों को औलाद अता फरमा बीमारों को शफा अता फरमा और जो भी जिस हाल में भी जिस भी तरह कोई परेशान है परवरदिगार इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की मुसीबत का वास्ता उसकी परेशानी को दूर फरमा बा मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद तर सलावत अब मैं गुजारिश करूँगा अहमद रजा से और हसन रजा से कहाँ आए और जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बल मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद तर सलावत Thar gayi din main vekh ke, sarvari ko nain vekh ke,
پیغمبر محمد و آل محمد بلند الصلا اب میں گزارش کروں گا فیضان کاظمی سے کہ آئیں آلو آپ اب میں گزارش کروں گا فیضان کاظمی سے کہ آئیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں بر محمد و آل محمد بلند تر صلا کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا آتی ہے کربلا سے جو کبھی ہو Okay.
आग को सहे हो गई शाम में गई बाकी اللهم صل على
محمد و آل محمد محمد آل محمد و لطا سلام इमाम मौत आई ही नहीं आले मोहम्मद को कभी, मौत आई ही नहीं आले मोहम्मद को कभी, जायका जान के मासूम ने खुद चखी है, जायका जान के मासूम ने खुद चखी है, और हाथ काजिम के नहीं दस्ते खुदा है शौकत, अमरे तौहीद की जंजीर पहन रखी है। दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और या रब मुझे मतलूब है लफ्जों का जरीदा, या रब मुझे मतलूब है लफ्जों का जरीदा, अल्फाज भी वो जिनसे टपकता हो अकीदा, फिर चाहिए सुनने को भी अजहान हमीदा, लिखना है मुझे हजरत काजिम का कसीदा, और लिख लूंगा तो फिर हशर तलक नाज करूंगा, लिख लूंगा तो फिर हशर तलक नाज करूंगा, फुतरस की तरह अर्श पे परवाज करूंगा। जो बादशाह वक्त था उस वक्त हारून बेशुमार, ये जिंदान के दरवाजे पर आया और कहता है कि मेरे पास फौज है, मेरे पास लश्कर है, मेरे पास अस्कर है, और मेरी बेयत अब कर लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो मौला काजम उसे देखकर फरमाते हैं कि तुम तख्त पे फर्रार हो, हम कैद में कर्रार, तुम तख्त पे फर्रार हो, हम कैद में कर्रार, तुम तालबे पापोश हो तो हम वारसे दस्तार, चाहो हमें तुमसे, जाओ हमें तुमसे नहीं कोई सरोकार, इकरार तो इकरार है, इनकार तो इनकार, और मुमकिन में हमारा ये शरफ सबसे जुदा है, मुमकिन में हमारा ये शरफ सबसे जुदा है, क्या कम है ये एजाज के हम हैं तो खुदा है। और दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और मौला फरमाते हैं हम हैं तो जमाने में शरीयत का भरम है, हम हैं तो जमाने में शरीयत का भरम है, और हम जिसमें उतरते हैं वो काबा है हरम है, जिस जाहो जलालत पे तुझे नाज़ो नहम है, ये तख्त मेरी जाहिरी पापोश से कम है। और उस वक्त हारून कहता है कि मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूँ और हुकूमत का ताज मेरे सर पे है। तो मौला फरमाते हैं गर ताज शरीयत का सजा है तेरे सर पे, गर ताज शरीयत का सजा है तेरे सर पे, क्या मांगने आ जाता है जिंदान के दर पे, क्या मांगने आ जाता है जिंदान के दर पे। दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तूने इस दुनिया को दिल से निकाला है तो अब, तूने इस दुनिया को दिल से निकाला है तो अब, दिल की दुनिया पर तेरे कानून राइज हो गए, और वो मेरे मौला तेरी मुश्किल कुशाई को सलाम, वह मेरे मौला तेरी मुश्किल कुशाई को सलाम, कैद में रहते हुए बाबुल हवाइज हो गए। बिस्मिल्लाह दुरूद पर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
محمد صلی اللہ علیہ وسلم कैद दे विच आसमान नजर नहीं आया ओ पंजी रजाब दी वक्त सुबह हारून ऐलान कराया एलै ना रे कोई कैदी मर गया जिंदान दे विच जंदा कोई नहीं वारिस आया। अब मैं गुजारिश करूंगा अरशद भाई से कहा है और जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान कर दो पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद दर सलाम कब्र के हाल से मुझको न डरा मैं
کہ خلق ہوتے نہ اگر اہل کے ساتھ پہلے سے قبر کے حال سے اور جب زیارت کی دعا مانگی تو آیا یہ جواب جب زیارت کی دعا مانگی تو آیا یہ جواب کہ تیرے سینے میں تو ہے کرب و بلا کہ جا کے عباس کے قدموں میں رہوں گا محشر جا کے عباس کے قدموں میں رہوں گا محشر میں نے جنت میں بنا ہے جگہ پہلے سے قبر کے حال سے بڑا اب میں گزارش کروں گا تمام مومنین سے جو باہر کچن میں اور جب باہر کھڑے ہیں اسے تشریف گاؤں کے اندر تشریف لینے خدشہ تھا تشریف لے آئیں تمام مومنین سے گزارش ہے کہ جو کچن میں بیٹھے ہوئے ہیں یا باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش ادا پہ تشریف لے آئیں بر محمد وال محمد بلند تر صلوات اب میں گزارش کروں گا استاد زاکرین جناب سید رفاقہ شاہ صاحب سے کہ آئیں اور آپ کے ذکر محمد وال محمد بیان فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری بر محمد وال محمد بلند تر صلوات محمد بلند تر صلوات متفق بلا ترسیوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْطَیْنَکَ الْکَوْثَر فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَر اِنَّا شَانِئَکَ وَالْأَبْتَر صدق اللہ مولانا العظیم بلا ترسیوات اللہ صلی اللہ محمد کیونکہ آج کی مجلس کا جو اہتمام کیا گیا ہے وہ جناب سرکار بابا لوائے جی امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے سلسلے میں ہے تو شہادت کا مضمون تو مولانا صاحب پڑھیں گے انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کیونکہ 27 رجب بھی گزری ہے اور رات 28 کی لگ گیا تو مولا کی رمانگی بھی ہے مدینے سے اللہ کا سلام جی اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد زمان بند کر قلم رو بے لگام نہ مان زبان بند کر قلم رو بے لگام نہ مان صحیح صراط پہ چل منکر امام نہ بن صحیح صراط پہ چل منکر امام نہ بن تمہارے خون میں شامل ہے جناب فاطمہ زہرا کے گھر کا نمک علی سے کر کے عداوت نمک حرام نہ بن اللہ سبحان اللہ کیا ماشاءاللہ
वफा के माथे का ताज जहरा, हया परस्ती की लाज जहरा। किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है तुझको जो राज जहरा। जबान बर में जो बट रहा है, वो तेरे घर का अनाज जहरा। जो तेरे शोहर से बुग्ज रखे, मरीज है ला इलाज जहरा। कुरान अली दी जिंदगी है, रहमान अली दी बंदगी है। कुरान अली दी जिंदगी है, रहमान अली दी बंदगी है। कुरान अली दी जिंदगी है, रहमान अली दी बंदगी है। ईमान अली दे गर्दा है, इस गल तू मौलवी सड़दा है। इस गल तू मौलवी सड़दा है, इस गल तू मौलवी सड़दा है, इस गल तू मौलवी सड़दा है। इमरान अली दा बाबा है, जेड़ा काबे दा भी काबा है। इमरान अली दा बाबा है, जेड़ा काबे दा भी काबा है। इमरान अली दा बाबा है, जेड़ा काबे दा भी काबा है। जिन पुछ के सूरज चढ़दा है, इस गल तू मौलवी सड़दा है। इस गल तू मौल भी सड़दा है, इस गल तू मौल भी सड़दा है। जिन पुत्र निशानुल्ला अहमद बदरी जाए, जिन पुत्र निशानुल्ला अहमद बदरी जाए। सैन खती जाए जड़ी मलका कुल जहान दिए, ओनू हजरत इमरान। जड़ा घर है अल्लाह दा, जड़ा घर है अल्लाह दा। चाहे दर दिए जिंदी खातिर घर बनया, ओ मां है दर दिए। जिंदी खातिर घर बनया, ओ मां है दर दिए। जिस चाकू दुनिया चुम दिए, जाके बारू घूम दिए। जिस जाको दुनिया चुम दिए, वदी बारू बारू घूम दिए। जित जाके हाजी बन दाए, इस गल तू मौल भी सड़दाए, इस गल तू मौल भी सड़दाए। मौला दी शान एक और दसना जाना के मौला साड़ी कैसे कायनात दा मुश्किल कुशा अमीरुल मोमिनीन कायदुल हुरुल मुअज्जली गालिब अला कुल्ले गालिब मआमी मशारिक वल मगारिब बिल अवलीन वल आखरीन या सुब्हानद्दीन अमीरुल मोमिनीन। सरदार भी दिसदा है, मिंबर ते
ਚੀਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਨਜ਼ਰ ਦਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੌਲਵੀ ਸਰਦਾਏ नौ लाख कश्मीर की बेटी ने कहा है नौ लाख कश्मीर की बेटी ने कहा है नौ लाख कश्मीर की बेटी ने कहा है मैं जो भी कहूँ उस पे खुदा बंद गवाह है बीबी सैन सकीना लश्कर दे सामने आए तारफ करा के क्या कह रहे हम अजमत तो कीर के मसजूद है वल्ला ਤਨਹਾ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਲੈ ਕੇ
बीबी उन्होंने जवाब दे के क्या नहीं, हम उसकी रजा बन के रजा बांट रहे हैं, उसकी रजा बन के रजा बांट रहे हैं, मट्टी से भी दुनिया में शिफा हम पर चमे रोजी से हवा मांग रहे हैं, पंजतन के सहन में भी गिरा बांट रहे हैं। आओ मैं बताती हूँ कि क्या बात रहे हैं, हम आज से करबल में खुदा बांट रहे हैं। एक नारा मेरी मदीना, वी लव यू मौला अली, वी लव यू मौला, हम उसकी रजा बन के रजा बांट रहे हैं, मट्टी से भी दुनिया में शिफा बांट रहे हैं, हम पर जमे गाजी से शिफा, हम पर जमे गाजी से हवा मांग रहे हैं, पंजतन के सहन में भी गिजा बांट रहे खुदा, वो कर बुबला है, 9 लाख से शबीर की बेटी ने कहा है। सूरा मामन तू किस तरह लहासो
जनाब गाजी अब्बास सलामता शहजादा अली अकबर दे कोल आए ने शहजादा अली अकबर नु आके कहे सोरा कंडे हिस्से दी बहन है तू सुखरा कुला शहजादा अली अकबर सोरा दे मामन दे कोल आके उच्चा च रोण लग पे ने बीबी सुखरा शहजादा अली अकबर तू मुखातब हो के आ दिए खुद अली रहते हैं
दी है सजीने में खुद अली रहते
जो मेरा अली है, अली वो वली है, कसम है अली की, खुदा भी अली है। जो मेरा अली है, अली वो वली है, कसम है अली की, खुदा भी अली है। जो मेरा मैं कैदी हूँ, झुके अपने हूँ।
ਜਿਸਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ यूसुफ नबी का मौला हूँ मेरा काबा तवाफ करता है मेरी रहमत पे मेरी रहमत का तुझ पे साया है अब खुदा भी मुआफ करता है खुदा भी मुआफ करता है तुझको नारे हैदरी
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم والقازمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صلى الله عليه وسلم सबसे पहले मैं अपनी जानिब से आपकी खिदमत में और आप तमाम की जानिब से मिलके अपने वक्त के इमाम की खिदमत में आपके मजलूम जद हजरत इमाम मूसा काज़िम की शहादत की मुनासिबत से ताज़ियत पेश करता हूँ और दुआ है परवरदिगार से कि वो हमें दुनिया और आखिरत में इमाम के मुहिबों और इमाम के नामदेव अफराद शुमार फरमाए। ये बड़ी इज्जत की बात होती है, ये जुमला मैं तकरीबन हर गुफ्तगू में कहता हूँ, ये बड़ी इज्जत की बात होती है कि परवरदिगार हमें ये तौफीक देता है कि हम अपनी ज़िंदगी की तमाम मसरूफियात को छोड़ कर उनके जिक्र में शरीक होने के लिए आते हैं कि जिनके जिक्र में वो भी शरीक होता है जो ला शरीक है। और देखिए, मेरा घर हो तो मेरी दावत के बगैर कोई नहीं आ सकता, आपका घर हो तो आपके बुलाए बगैर कोई नहीं आ सकता, ये इमाम का घर है। तो अगर आप यहाँ पर आए हुए हैं तो आप यकीन करें कि इमाम ने आपको बुलाया है, दावत दी है, तो आप यहाँ पर आए हैं। ये मेरी और आपकी मर्जी पर नहीं है कि जब चाहे यहाँ पर चले जाए, ये जिनका घर है उनकी मर्जी है, वो जब चाहे जिसको आने दें या ना आने। लिहाजा अपने यहाँ पर होने को एक इबादत समझे और अपने यहाँ पर मौजूद होने को इमाम की इजाजत समझे। लिहाजा इस इज्जत और इबादत की कबूलियत के लिए गलत सलावात पढ़ने मोहम्मद बस तभी गुफ्तगू नहीं करनी। आज मेरे बात नवाखानी है, कोई और खतीबी पढ़ने वाले नहीं है और कुछ वक्त भी मुझे दिया गया है शाह साहब की तरफ से, आमतौर पर बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। आज उन्होंने मुझे मोहब्बत फरमाई है, कहा कि आप पढ़ लें, मेरा गुजारिश है, कोशिश है कि थोड़ा सा गुफ्तगू ऐसी हो कि कुछ हम आज के दिन से फैसला कर सकें। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि कुरान मजीद में मुत्तकीन की निशानियाँ बताई हैं। पहले कहा सूरह आले इमरान की आयत नंबर 133 में फरमाया कि जन्नत जो है वो मुत्तकीन के लिए है। 134 आयत में फरमाया कि वो मुत्तकीन की निशानियां क्या हैं, अल्लज़ीना युन्फिकूना फिस्सर्राए वज़्ज़र्रा, कि वो लोग हैं कि जो चाहे मुश्किल में हो या खुशहाली में हो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। अल्लज़ीना युन्फिकूना फिस्सर्राए वज़्ज़र्रा, वो मुश्किल हालत में हो या खुशहाली की हालत में हो, अच्छी हालत में हो या बुरी हालत में हो, जश्न हो या मजलिस हो, वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। फिर फरमाया कि वो कौन है अल्लज़ीना, और वो कौन है जो खर्च करते हैं, वल काज़िमीन अल-ग़ैज़, वो हैं कि जो अपने गुस्से को काबू में रखते हैं, गुस्से को पी जाते हैं,
والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں واللہ یحب المحسنین اور بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس آیت کو میں نے اپنا موضوع کلام اس لیے بنایا کہ اس میں ایک لفظ ہے والقاذمین الغیظ، کہ وہ ہیں جو اپنے غیظ کو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اس پہ صبر کر دیتے ہیں۔ یہ آیت اس لیے میں نے سنائی آپ کے سامنے، ایک روایت ہے کہ امام موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ وضو فرمانے لگے، تجدید وضو کرنے لگے، تو آپ نے اپنی قمیض سے کہا کہ میرے لیے پانی لے کے آؤ۔ وہ پانی لے کے آئی تو اس کے ہاتھ سے جو پانی کا برتن تھا وہ چھوٹ گیا اور وہ پانی امام کے اوپر بہ گیا، وہ برتن گرا، سارا پانی امام کے اوپر بہ گیا۔ اب امام تشریف فرمائے زمین پر اور وہ قمیض ساتھ کھڑی ہوئی تھی، وہ ڈر گئی، وہ جیسے ہی ڈری تو اس نے یہ آیت پڑھ دی بل کا زمین الغیظ، کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں، یعنی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کیونکہ پانی گر گیا ہے امام غصہ کریں گے، اس نے آیت پڑھ دی بل کا زمین الغیظ، کہ اللہ کے متقین وہ ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں۔ امام نے کہا جا تجھے معاف کیا، پھر اس نے کہا والعافین عن الناس، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ امام نے فرمایا جا تجھے آزاد کر دیا، آزاد کر دیا اور کہا کہ جا خدا کی راہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں جہاں تو جانا چاہتی ہے، وہاں پر بھجوا کے بتاؤں گا احسان کرنے والے کیسے ہوا تو یہ امام کے گھر کی ایک کنیز کا واقعہ ہے کہ اسے پتا تھا کہ اللہ کی آیت کس کے بارے میں ہوئی اور اس کا استعمال کہاں کرنا ہے، تو اس کنیز نے امام کے سامنے یہ آیت پڑھی۔ آج ہم نے امام کے ذکر کے لیے اس آیت کو پڑھ لیا، یقینا جیسے امام نے اس خاتون کو معاف کیا ہمارے بھی گناہوں کو درگزر فرما دیں گے، جیسے انہیں آزاد کیا اس پہ رحم کیا ہم پر بھی فرما دیں گے۔ چونکہ بات یہی ابھی آپ سن رہے تھے، معافی اسے ملے گی کہ جو اس در سے معافی مانگے گا، اللہ اسی کو معاف کرتا ہے جو آل محمد سے معافی مانگ لیتا ہے۔ لہٰذا ہم جیسے بھی ہیں، خطا کار ہیں، گنہ گار ہیں، آل محمد کے غدار نہیں ہیں، لیکن غداری آل محمد کے ساتھ نہیں کی ہے۔ لہذا امید یہی ہے، یقین یہی ہے کہ وہ جو معاف کرنے والے ہیں وہاں بھی معاف کر دیں گے۔ امام موسیٰ کاظم، دیکھیے میری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ جو موضوع مجھے دیا جائے میں اس پہ گفتگو کروں۔ حالانکہ گفتگو کرنے کے لیے بہت سے موضوع ہیں، ویسے بس ابھی سے لے کے صبح تک بیٹھا ہوں کا جمعہ خطبہ بھی یہاں پہ دے دوں گا اسی موضوع پہ چلتے ہوئے، لیکن وقت ہے، وقت کم ہے، آپ کی زحمات ہیں، ہمارے بھی سلسلے ہیں، تو میں چاہتا ہوں وقت مقرر میں سر حاضر گفتگو کر لی جائے۔ امام موسیٰ کاظم، آپ کا اصل نام موسیٰ ہے، یہ انبیاء میں سے دوسرے ایسے فرد ہیں کہ جن کے نام پر ہمارے کسی امام کا نام ہے، یہ نبی موسیٰ کے نام پر نام ہے اور یہ دوسرے نبی ہیں کہ جن کے نام پر کسی امام کا نام ہے، ایک موسیٰ کے نام پر نام ہے یا محمد کے نام پر نام ہے، یا محمد کے نام پر ہمارے اماموں کے نام ہے یا موسیٰ کے نام پر ہمارے امام کا نام ہے۔ اور عجیب بات ہے، امام کے والد کا نام جعفر، ہمیں معلوم ہے امام جعفر قادری کی فرزند ہے، آپ کی والدہ کا نام حمیدہ بنت بریر الصالح ہے۔ آپ 128 ہجری میں مدینہ مربرہ میں تشریف لائے اور 55 برس کی ظاہری عمر کے بعد آپ نے دنیا کی آنکھوں سے پردہ فرما لیا، 55 برس کی آپ کی ظاہری زندگی ہے۔ آپ کی والدہ حمیدہ بنت بریر الصالح، یہ اس لیے میں اس بی بی کا
का नाम ले रहा हूँ कि मुखदरात इस्मत जो किसी इमाम की बेटियां थी या खानवादे अहले बैत की बुजुर्ग शख्सियात थी, उनके अलावा ये वो शख्सियत है कि जिनकी नजीर तारीख आलम में नहीं मिलती है। हजरत हमीदा बिनत बुरैर अस्सालेह, आपके वालिद का नाम अस्सालेह था। किसका? हजरत इमाम हुसैन काजिम की वालिदा के वालिद का नाम अस्सालेह था। और आपके अपने वालिद का नाम क्या था? अस्सालेह। आपके एक वालिद का नाम सादिक था और वालिदा के वालिद का नाम अस्सालेह था। यानी सालेह और सादिक जब मिलते हैं तो मूसा काज़िम तशरीफ लाते हैं। जज़ाकअल्लाह। और ये जिक्र मैं इसलिए बीवी का कर रहा हूँ हज़रत इमाम मूसा काज़िम की वालिदा का, कि आपका एक लकब है बड़ा मुख्तलिफ किस्म का। खुद छठे इमाम ने फरमाया, अच्छा इनकी तारीख ये है कि आपका ताल्लुक मगरिब मराकिश से था, ये मोरक्को जो है मराकिश, यहाँ से आपका ताल्लुक था। एक बावकार और इज्जतदार घराने से ताल्लुक था, ऐसा था कि आपके वालिद का लकब भी सालेह था, कि अपने कौम में आपको सालेह कहा जाता था। कुछ लोगों ने उस कबीले पे हमला किया और इस खातून को अगवा करके ले आए, चुरा के अपने खानदान से ले आए और ला के मदीने में फरोख कर दिया। जब इमाम सादिक इमाम बाकिर को मालूम हुआ कुछ लोग आए हुए हैं कि जिन्होंने कुछ बच्चों को कुछ खवातीन को अगवा किया हुआ है, तो आपने कुछ सवाल लिख के भेजे। तवज्जो कीजिएगा कि ये जुमला है, ये जुमला देखिएगा कि आपने उन बर्दा फरोशों के यहाँ जो बच्चे थे जिन्होंने अगवा किए हुए थे, कुछ सवाल लिख के भेजे। एक गुलाम को भेजा कि ये मेरे कुछ सवाल लेके जाओ, जो खातून इन सवालों के जवाब दे दे उसे खरीद के ले आना। अब आपने कुछ सवाल किए, तीन सवाल मैं बयान करूंगा। तीन सवाल किए, सबसे पहले जनाब हमीदा ने कहा कि मुझे जवाब आते हैं। आपने जवाब दिए, आपको खरीद के लाए गए। जब आपको खरीद के लाया गया तो इमाम मोहम्मद बाकिर ने फरमाया कि ऐ मेरी बेटी। अच्छा, जब उसने सुना ना कि खरीदने वाले ने बेटी कहा है तो हैरान हो गई, क्योंकि आम तौर पर जो खरीदता है वो कनीज बनाता है, वो गुलाम बनाता है, और ये आले मोहम्मद का मिजाज है कि खरीदने वालों को या बेटी बनाते हैं या बहन बनाते हैं या मां बना देते हैं। जनाब फिजा को मां कहा गया, जनाब हमीदा को बेटी कहा गया, और कहा कि ऐ बेटी मैं तुझे राह खुदा में आजाद करता हूँ। उसने कहा कि आपका शुक्रिया है मर्द साले, आपने मुझे आजाद किया, लेकिन ये बताएं आपने मेरा इम्तिहान क्यों लिया और मुझे खरीदा क्यों? अगर आजाद करना था तो मुझे ही क्यों इंतखाब किया? आपने फरमाया कि मैं अपने वालिद से सुना था, उन्होंने उनके वालिद से सुना था, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि हमारी नस्ल में जितने भी सिलसिला इमामत के ताजदार होंगे, ना उनके बाप अनपढ़ जाहिल होंगे, ना उनकी माए अनपढ़ जाहिल होंगी। मैंने सारे मजमे का इम्तिहान इसके लिए ताकि मुझे मालूम हो जाए और दुनिया को भी मालूम हो जाए, ना मेरी माँ अनपढ़ थी, ना मेरे बच्चों की माँ अनपढ़। कहा कि आप मुझे आजाद क्यों कर रहे हैं? कहा इसलिए आजाद कर रहा हूँ कि कोई ये ना कहे कि मुझ पर जबर कर रहा हूँ, तुझे जबरदस्ती कर रहा हूँ। कहा कि आपने मुझे खरीदा, आपने मुझे आजाद किया, अब मैंने कोई रास्ता तो इख्तियार पाया कि मैं क्या करूं? इमाम ने फरमाया तेरे लिए मैं इस बात को पसंद करता हूं कि तू मेरे बेटे जाफर सादिक के इज़्दवाज में आ जा। तू जाफर सादिक के इज़्दवाज में आ जा, बईद नहीं कि अल्लाह तेरे जरिए अपने सिलसिले नूर विलायत को आगे बढ़ाए। उसने कबूल किया। और ये जुमला मैंने इसलिए कहा, ये कौन है? इस खातून का नाम भी बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, इमाम मूसा काज़िम की असली वालिदा का नाम कह रही है, लोगों को नहीं पता होगा ये खातून वो है। मैंने कहा था कि जो खानदान इस्मत की खवातीन है उनके बाद, या जो बुजुर्ग खवातीन है उनके अलावा, अगर किसी का तस्करा इन अल्फाज में मिलता है तारीख जनाब हमीदा है। क्या? कि खुद छठे इमाम ने फरमाया, कहा कि खुदा की कसम जिस परवरदिगार ने सारा को और आसिया को और हाजरा को और हव्वा को पाक और पाकीजा बनाया था कि उनके यहाँ कोई नजासत और पलीदगी नहीं थी, उसी तरह से मेरी ज़ौजा हमीदा को परवरदिगार ने पाक और पाकीजा बनाया। अब आगे सुनिए जुमले। इमाम हुसैन काज़िम 128 हिजरी में तशरीफ लाए मदीने में, चंद बरस की उम्र थी जाहिर तौर पर,
नौमान बिन साबित, जिसे अबू हनीफा के नाम से जाना जाता है, नौमान बिन साबित मदीने में था, मुफ्ती था, फतवे दिया करता था, हमारे इमाम आजम कहते हैं। तो ये इमाम सादिक के पास अलग-अलग था। अब उसने जाहिर तौर पर इमाम मूसा कादिर की उम्र बड़ी छोटी सी है, थोड़ी सी उम्र है, और देखा कि इमाम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे हैं और इमाम के आगे से लोग गुजर रहे हैं। मुझे बड़ा अहम सुनने वाला वाक्य है, मैं भाई साहब जब ये वाक्य को पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो इसको पढ़ के मेरी आंखों में आंसू आ गए। फखर हुआ कि हम किस इमाम के मानने वाले हैं। इमाम मूसा कादिर मस्जिद नबवी में नमाज अदा कर रहे हैं, जाहरी तौर पर बचपना है, और आपके आगे से लोग गुजर रहे हैं। अबू हनीफा ने आकर इमाम सादिक से शिकायत की कि देखें ये आपका बच्चा बगैर खुशू खुशू के नमाज पढ़ता है, उसके आगे से लोग गुजरते हैं, उनको मना नहीं करता है, बड़ा कमजोर बच्चा है आपका। अब दोपहर का वक्त हुआ, इमाम तशरीफ लाए तो सबके सामने इमाम ने कहा कि बेटे मूसा ये बताओ कि अभी मुझे इत्तला मिली है, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम्हारे आगे लोग गुजरते हैं, तो उनको रोकने की सलाहियत नहीं रखते। इमाम ने फरमाया बिल्कुल ऐसा है कि जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मेरे आगे से लोग गुजरते हैं। तो इमाम साहब ने कहा कि तुम उनको रोकते क्यों नहीं हो? इमाम ने फरमाया इसलिए कि मैं जिसकी नमाज पढ़ता हूँ वो मेरे इतने करीब होता है कि मुझे आगे से गुजरने वालों का ख्याल ही नहीं होगा। हारून रशीद जब नया नया हाकिम बना, बादशाह बना, तो ये उमरा करने के लिए अरबिस्तान आया, मक्के में उमरा किया, फिर कब्र की ज़ियारत करने के लिए मदीना आया। तब चाहता हूं जब मदीने आया, अब उसके साथ लश्कर भी है, फौज भी है, मदीने में सहाबियों की औलादें भी है, बहुत से अफराद है, मस्जिद नबवी भर गई कि बादशाह आ गया है, खलीफा आ गया है, सब लोग आ गए। अब चूंकि ये अब्बासी खानदान से था, हारून रशीद इब्ने अब्बास की औलाद में, हजरत अब्बास की औलाद में से था, तो इसने आकर कब्र रसूल के पास खड़े होकर कहा अस्सलामु अलैका इब्न अल अम, ऐ मेरे चचा के बेटे आप पर सलाम, ताकि लोगों को पता चले कि मोहम्मद तो मेरे चचा का बेटा है। समझदारी की बात देखें, हम सब सलाम पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कि वो रसूल है। इसने आकर कहा ताकि लोगों में मेरा वजह इफ्तिखार बन जाए, इसने कहा कि अस्सलामु अलैका या इब्न अल अम, मेरे चचा के बेटे आप पर सलाम हो। इमाम मूसा कादिर तशरीफ फरमाते, जब आपने जुमला सुना ना कि बादशाह ने कहा अस्सलामु अलैका या इब्न अल अम, मेरे चचा के बेटे आप पर सलाम हो, इमाम मूसा कादिर ने फौरन कहा अस्सलामु अलैका या अबता, ऐ मेरे वालिद आप पर सलाम हो। कहा आप पर, जब ये जुमला सुना कि आप पर सलाम हो, कहा कि ये क्या बात हुई, तू कौन है? कहा मैं मूसा इब्न जाफर, कहा तूने मोहम्मद को अपना बाबा क्यों कहा है? तो इमाम ने मुस्कुराते हुए कहा मैं जाफर का बेटा हूँ, जाफर बाकिर का बेटा है, बाकिर अली का बेटा है, अली हुसैन का बेटा है, हुसैन अली का बेटा है, और हुसैन फातिमा का बेटा है, फातिमा मोहम्मद की बेटी है। जब तक ये सिलसिला बाप और बेटी चलता रहता है, मोहम्मद हमारा बाप है और हम मोहम्मद की औलाद हैं। और एक और जुमला सुनिएगा, मैं चाहता हूँ इस वक्त के अंदर उसको बयान हो जाए। एक और वाक्य यहीं पे खड़े हुए, हारून रशीद ने कहा कि ए मूसा इब्न जाफर, तुम दावा करते हो कि तुम मोहम्मद की औलाद में से हो, हालांकि अल्लाह ने नस्ल आदम को बेटों में रखा है, तुम कैसे मोहम्मद की औलाद हो? तुम तो अबू बकर की औलाद हो, तुम तो अली की औलाद हो, तुम मोहम्मद की औलाद कैसे हो सकते हो? जब इतना कहा तो इमाम ने पहले कहा कि मैं तुम्हें इस बात का जवाब नहीं देना चाहता, तारीख कहा तुम इस बात का जवाब नहीं देना, मुझे इस बात से माफी रखो। उसने कहा कि नहीं, जब तुमने इतने मजमे के सामने मुझे ये जुमला कहा तो अब तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। इमाम ने कहा इससे तुझे और शर्मिंदगी होगी, तेरी और खफगी होगी। कहा कि नहीं, मैं चाहता हूं तू बयान कर। तब इमाम ने फरमाया कि क्या
तूने कुरान मजीद की वो आयत पढ़ी है जिसमें परवरदिगार ने फरमाया है कि मैंने इब्राहिम के बच्चों इस्माइल और इसहाक को नबूवत दी और उसके बाद उसकी जुर्रियत में सुलेमान भी है, दाऊद भी है, अय्यूब भी है, याकूब भी है, मूसा भी है, हारून भी है, ईसा भी है। उसने कहा कि हाँ मैंने पढ़ी है। इमाम ने फरमाया तूने आयत पढ़ी है, समझ जाता हूँ कि जिसमें कहा गया है कि इब्राहिम की औलाद में इस्माइल भी नबी है और इसहाक भी नबी है और फिर उसकी जुर्रियत में हमने अय्यूब को भी रखा, याकूब को भी रखा, दाऊद को भी रखा, सुलेमान को भी रखा, मूसा को भी रखा, ईसा को भी रखा। कहा कि हाँ मैंने ये पढ़ी है। तो इमाम ने कहा ये सब कौन है? कहा ये सब इब्राहिम की जुर्रियत में से है। जब कहा ना इब्राहिम की जुर्रियत में से है तो इमाम ने फरमाया तुझे पता है सुलेमान का बाप कौन है? कहा कि दाऊद है। इमाम सवाल करते गए, कहा कि यूसुफ का बाप कौन है? कहा याकूब है। इमाम ने फिर सवाल किया ईसा का बाप कौन है? सुलेमान की तरह और यूसुफ और याकूब की तरह इब्राहिम की जुर्रियत में रखा है। बाकी सबके तो बाप मौजूद है, ईसा का बाप नहीं है। लेकिन यहाँ परवरदिगार ने फर्क नहीं किया, जैसे जुर्रियत में यूसुफ और याकूब है वैसे जुर्रियत में ईसा भी है लेकिन ईसा का बाप नहीं है। कहा फिर ये जुर्रियत में कैसे आ गए? हारून ने कहा इसलिए कि परवरदिगार ने यहाँ पे निजाम बदला था, बाप की बजाय मरियम के जरिए ईसा को इब्राहिम की नस्ल में रखा। इमाम ने फरमाया मुझे कसम है उस परवरदिगार की जिसके कब्जे कुदरत में कायनात का निजाम है, जिस तरह परवरदिगार ने बगैर बाप के सिर्फ माँ के जरिए ईसा को नस्ल इब्राहिम में रखा, उसी परवरदिगार ने हमें फातिमा के जरिए नस्ल मोहम्मद में रख दिया। इमाम तशरीफ लाए, इमाम को लाया गया बगदाद। अब ये लाने का मैं वाक्य बयान करूंगा आखिर में, भाई उसको और सुन लीजिए। इमाम तशरीफ लाए बगदाद, तो बगदाद में देखिए आले मोहम्मद की आप तारीफ पढ़ेंगे ना, आपको हर जगह यही मिलेगा कि दुनिया के सवाल करने वाले जब हर दरवाजे से मायूस हो जाते थे तो दरवाजा अहले बैत पे आ जाते हैं। और ये वो दरवाजा है कि जो जवाब देने वाले के जवाब से पहले उसके सवाल भी बता देते हैं कि तेरे सवाल क्या है तो पूछने के लिए आया है। बहुत सी रवायत में कि एक राहिब था, ईसाई राहिब, वो आया कहा कि मैं मदीना गया मुझे जवाब नहीं मिले, मक्का गया जवाब नहीं मिले, मिस्र गया जवाब नहीं मिले, वहां गया जवाब नहीं मिले, मुझे किसी ने कहा है कि बगदाद जाओ, लिहाजा मैं सवालों का जवाब लेने के लिए आया हूँ। अब दरबारे बादशाहत में किसे पता सवाल क्या होता है, किसे पता जवाब क्या होता है। उसने कहा कि अगर शर्मिंदगी बचानी है तो मूसा इब्ने जाफर को ले आओ। इमाम को लाया गया दरबार में, हारून रशीद के दरबार में, और सवाल किए गए। बस सवाल बहुत है, दो सवाल सुन लीजिएगा। पहला सवाल उसने किया, उसने कहा कि आप कहते हैं कि शजरे तूबा जो कुरान मजीद में है, शजरे तूबा, इसकी जड़ें मोहम्मद मुस्तफा के घर में हैं, लेकिन हमारा अकीदा यह है कि इसकी जड़ें मूसा के घर में हैं, मूसा के घर से ईसा के घर में आई। आप कहते हैं कि मोहम्मद के घर में है, चले मान लिया मोहम्मद के घर में है, तो मोहम्मद का घर तो अरसा हुआ खाली हो गया, आपके पास शजरे तूबा कहां से आ गया? सवाल सुनिए कि शजरे तूबा अगर मोहम्मद के पास भी होगा, ये देखिए ये रसूल खुदा की हिजरत के बाद 150 साल बाद का वाकया है, 150 बरस के बाद का, रिसालत बाप के दुनिया में आने के 200 साल बाद का वाकया है। और कितना चलाक और होशियार था ये राहिब, उसने कहा चलो मान भी लिया कि उस दरख्त की जड़ें मोहम्मद के घर में थी, अब तो अरसा हुआ वो घर खाली हो गया, तो उसकी शजर आपके पास कैसे आ गई? आप तो 200 साल बाद आए हैं। इमाम ने मुस्कुराते हुए कहा तुझे पता है सूरज कितना पुराना है? कहा तुझे पता है चांद कितना पुराना है? उसने कहा कि बहुत पुराना है। कहा आदम से पुराना है? कहा आदम से भी पुराना है।
कहा कब से है, कहा मुझे नहीं मालूम कब से है, लेकिन हजारों बरस बीत गए। इमाम ने फरमाया जब हजारों बरस पुराना सूरज तुझे रोशनी दे सकता है, जब हजारों बरस पुराना चांद तेरे घर में रोशनी दे सकता है, तो ये चंद बरस पहले मोहम्मद के घर का दरख्त हम तक नहीं आ सकता है। फिर इमाम ने फरमाया क्या कभी तूने सूरज पर सवाल किया है कि ये सूरज क्यों एक ही वक्त में मशरिक में भी रोशनी देता है, मगरिब में भी रोशनी देता है? क्या कभी तुमने सवाल किया है कि ये चांद एक ही वक्त में मगरिब में भी चमकता है, मशरिक में भी चमकता है? तूने सवाल किया है? उसने कहा कि नहीं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जमीन, ये दरख्त तो जमीन पर होते, कोई जाता हूं, ये दरख्त तो जमीन पर होते हैं, ये सूरज चांद तो आसमान पर है, लिहाजा सूरज और चांद जमीन के मोहताज नहीं है। ये जब चमकते हैं तो चाहे मशरिक में चमके या मगरिब में चमके, रोशनी बराबर होती है। इमाम ने कहा तू अजीब इंसान है, तुझे मोहम्मद का दरख्त समझ नहीं आ रहा, लेकिन सूरज और चांद समझ में आ गए कि ये जमीन के मोहताज नहीं है क्योंकि आसमान पर है। तू ये भूल गया है कि ये चांद वो है जिसे मोहम्मद ने दो टुकड़े कर दिया था, और सूरज वो है जिसे अली ने वापस कर दिया था। जन्नत में ये कैसे होगा कि इंसान कुछ खाए पिए फल खाता रहे और फल खत्म ना हो? इमाम ने कहा कि तुम एक चराग जलाओ, फिर उसी चराग से 100 चराग और जला लो, तो पहले वाले चराग की रोशनी खत्म नहीं होगी। इस तरह फल खाते रहो। कई सवाल किए उसने कि आसमान का रंग नीला क्यों है, जमीन का रंग ऐसा क्यों है, पानी का कोई रंग क्यों नहीं है, हमें देखे तो ऐसा लगता है, फला लगता है, बहुत सवाल करता रहा। आखिर में उसने जो सवाल किया बड़ा दिलचस्प सवाल, उसने कहा कि ये बताएं, जन्नत की चाबी लोहे या सोने की बनी है या चांदी की बनी है? कि जन्नत की चाबी सोने की बनी है या चांदी की बनी है? इमाम मुस्कुराते हुए कहा ना सोने की बनी है ना चांदी की बनी है। उसने कहा फिर जन्नत की चाबी कहाँ है? इमाम ने कहा कि जन्नत की चाबी से पहले तू पूछ जन्नत का दरवाजा कहाँ है। जैसा दरवाजा होगा चाबी वैसी होगी। तो उसने कहा यह बताए फिर जन्नत का दरवाजा कैसा है और जन्नत का दरवाजा कहाँ है? इमाम ने फरमाया जन्नत का दरवाजा इंसान का दिल होता है और जन्नत की चाबी इंसान की जबान होती है। उसने कहा कि फिर दिल तो हर शख्स के पास है, जबान तो सबके पास है, इसका मतलब है सब जन्नत में चले जाएंगे। इमाम ने फरमाया परवरदिगार आदिल है, उसने जन्नत का दरवाजा हर इंसान को दिया है लेकिन उसकी चाबी हर एक को नहीं दी है। कहा यह चाबी क्या है? कि जन्नत का दरवाजा दिल है और इसकी चाबी जबान है, और ये जबान जन्नत का दरवाजा कब खोलती है? इमाम ने फरमाया मैंने अपने जन से सुना, उन्होंने अपने जन से सुना, यहां तक कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह वजबत लहुल जन्नत। के जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे, अलीयुन वलीउल्लाह कहे, उस पे जन्नत वाजिब हो जाती है। इमाम ने फरमाया अगर तू चाहता है कि तेरे दिल में ये जन्नत का दरवाजा खुल जाए तो अपनी जबान पर तौहीद का कलमा मिला, नबूवत का कलमा मिला और अली की विलायत को मिले। इमाम मूसा अलैहिस्सलाम वो शख्सियत हैं कि जिनके जमाने में, शायद ये बात हमारे लिए नहीं हो, इमाम की के शागिर्दों ने इमाम के से रिवायत शुदा अहादीस और रिवायात को जमा किया। उस किताब का नाम है मुस्नद इमाम काज़िम, उसमें 3000 से ज्यादा अहादीस और रिवायात मौजूद हैं जिसको जिससे इस्तफादा किए बगैर हमारा दीन मुकम्मल नहीं हो सकता है। वो ऐसा मुस्नद ऐसी किताब है जिससे इस्तफादा किए बगैर हमारा दीन मुकम्मल नहीं होता। ये जो वकालत का सिलसिला है ना, वकालत, ये दुनियावी वकालत नहीं, किसी को अपना वकील बनाकर किसी भेजना, ये इसका आगाज इमाम मूसा काज़िम ने किया था। एक होता है सफीर, सफीर होता है हाकिम वक्त का, वकील वो होता है जो हाकिम वक्त का नहीं होता, वो किसी का भी हो सकता है,
कि जिसकी नियाबत मिल जाए और कोई काम करके आ जाए। हमारे यहाँ भी वो वकला है मराज अजाम के, आप जानते हो यहाँ पर भी वकला है मराज के दफ्तर खुले हुए हैं। तो वकालत का सिलसिला जो है वो इमाम ने शुरू किया। इमाम की बहुत से शागिर्द, बहुत सब खिदमत इमाम की, तवज्जो में रखिएगा कि इनमें इमाम के एक माया नाज शागिर्द और सहाबी, उनका नाम था बहलोल। ये इमाम के माया नाज मारूफ तरीन साहब में से एक थे, बहलोल इनका नाम था। अली बिन जतीन भी हैं, दीगर भी हैं। अली बिन जतीन वो जिन्हें इमाम ने हुक्म दिया था कि तुम हारून रशीद के मुशीर बन जाओ, वजीर बन जाओ, थे इमाम के साथ ही। लेकिन तकिया ने कहा कि तुम वजीर और मुशीर बन जाओ ताकि उस जमाने के अली वालों की हिफाजत हो सके, हिफाजत हो सके उस जमाने की। तो उनमें से अली बिन जतीन भी थे, एक जो है वो बहलोल भी थे। कायदा के रिवायत में था कि इमाम जिंदान में थे तो इमाम के जो करीब करीब साथी थे, इन्होंने इमाम को खत लिखा कि मौला हम परेशान हैं, हम क्या करें, आप चले गए जिंदान में, हमारा कोई बचा नहीं, क्या करें। तो इमाम ने खत का जवाब एक हर्फ लिख के दिया, जीम। जीम लिख के इमाम ने जवाब दिया कि जीम। अब वो जीम जब इन चार बजे अफराद ने देखा तो जिसको इस जीम का जो मतलब समझ में आया उसने वो इख्तियार कर दिया। एक ने समझा इसका मतलब है जिला वतनी, तो वो चला गया बगदाद से, उसकी जान बच गई। एक ने समझा कि इसका मतलब है जबल, यानी पहाड़ पे चले जाए, वहां से वो चला गया, उसने पहाड़ पर जान बचा ली। बहलोल वो था कि जिसने इस जीम का मतलब समझा जुनून, यानी दीवानगी। एक वो जिन्होंने समझा जुनून, उन्होंने अपने आप के ऊपर दीवानगी इख्तियार कर ली। जब दीवानगी इख्तियार कर ली तो हमें सबको मालूम है कि जिला वतन हो गया था, उसकी तारीख नहीं पता। जो जबल पे चला गया उसकी तारीख नहीं पता, लेकिन जो अली के इश्क में दीवाना हो गया उसकी तारीख आज तक हमारे पास मालूम है। बस एक उसका वाक्य सुन लीजिए। तारीख कहती है मैं देखिए जुमला कहा करता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ। मैंने शुरू में ये कहा था कि हमारे और आपके बस की बात नहीं है कि हम जब चाहे यहाँ पर आ जाए, इनका घर है वो इज्जत देते हैं, हमें इस बात का एहसास नहीं होता। हमने शुरू में जब मैं यहाँ पर आना शुरू हुआ था यार भाई से, दीगर अफराद से मुलाकात हुई, तो मैंने जुमला भी कहा था और इन्होंने भी मुझसे जब बात कही थी कि ये मस्जिद इमाम बारगाह 24 घंटे खुला हुआ है, जो मोमिन जिस वक्त यहाँ पर आना चाहे आ सकता है, जिस वक्त आना चाहे यहाँ से गुजर रहा हो, अच्छा सलाम चला जाओ, उसके लिए इजाजत है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई यहाँ पर जरूर होगा। ये दरवाजा ना मस्जिद इमाम बारगाह खुला हुआ है, लेकिन नहीं आ सकते लोग भाई। इस गली से सड़क से कितने लोग गुजरते होंगे, देखते भी होंगे कि ये मस्जिद है, ये इमाम बारगाह है, नहीं आ सकते होंगे। क्यों? क्योंकि जिसका घर है वो बुलाता नहीं है। जिसका घर है वो नहीं बुलाता है। और कुछ लोग होते हैं कोई काम नहीं होता यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि जिसका घर है वो बुला लेता है। हमें नहीं पता कि हमारी कौन सी छोटी सी बात उन्हें पसंद आ गई कि वो हमें बार बार बुलाने की इजाजत दे देते हैं, हमें इज्जत दे देते हैं। अच्छा, इस बहलोल को सैन बहलोल में जाने से पहले इसी खुदा के घर में, इमाम के घर में उनकी इजाजत से शब जुमा का प्रोग्राम भी होता है और रोज जुमा नमाज भी होती है। जुमे की नमाज होती है 12:15 बजे अजान हो जाती है, 5-7 मिनट का सफर शुरू हो जाता है और उसके आधे घंटे के बाद हम जमा शुरू कर देते हैं। तो जो अफराद यहाँ से गुजर रहे हों, ना गुजर रहे हों, दुआ है कि अगर इमाम इजाजत दें, आप समझें कि तौफीक है, यहाँ पर शरीफ लाएं, शब जुमा भी और जुमे की नमाज भी। यहाँ पर हस्ब तौफीक एहतमाम भी होता है, कुछ ना कभी खाने का, कभी दीगर चीज़ों का, लेकिन यह है कि तशरीफ लाएं ताकि ये घर भी आबाद रहे और इस घर की आबादी की वजह से हमारी जिंदगियां भी आबाद रहे। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। तो लिहाजा ये उन घर वालों की मर्जी है कि जिसको आने दे या ना आने दे। और इसी तरह से ये हमारी और आपकी पसंद पर नहीं है कि हम मासूमीन को समझ लें, ये मासूमीन की मोहब्बत अपने दिल में उठा लें। खुदा की कसम, मुझे मुर्तजा की कसम, मुझे मुस्तफा की कसम, कुरान खुदा की कसम,
जिस शय को आप दुनिया में सबसे अजीम समझते हैं, मैं भी उसे अजीम समझते हुए कहता हूं कि उस शय की कसम ये हमारे और आपके बस और मर्जी की इख्तियार नहीं है कि हम जब चाहे आले मोहम्मद से मोहब्बत कर लें, जो चाहे आले मोहम्मद का दीवाना हो जाए, ऐसी बात नहीं है। जब हम इस काबिल होंगे तभी हमें ये अपने दरवाजे से मोहब्बत की खैरात बांटेंगे, मोहब्बत की खैरात बांटेंगे। जर्फ देख कर ही वो खैरात दी जाती है, जैसा जर्फ होगा वैसी खैरात दी जाएगी, भाई खाली हाथों में कुछ और खैरात आएगी, बर्तन में कुछ और खैरात आएगी, छोटे बर्तन में कुछ और खैरात आएगी, बड़े बर्तन में कुछ और खैरात आएगी, दामन में कुछ और आएगी, यानी जैसा जर्फ होगा खैरात वैसी बढ़ती जाएगी। और ये जो हमारा काम है मांगना अता करना, ये उनका काम है, लिहाजा उनसे मांगते रहिए। अगर अभी दरवाजा बंद भी है तो कल दरवाजा खुल भी जाएगा, क्योंकि ये वो है जो दरवाजे बंद भी हो तो किसी को खाली नहीं लौटाते हैं। ये आले मोहम्मद की मर्जी पर है कि किसे चाहे अपनी मारिफत दे दे, किसे चाहे अपना इरफान दे दे, किसे चाहे अपनी मोहब्बत और विलायत की खैरात दे दे, या यूं कहूं जिसे चाहे ये थोड़े से समझ में आ जाए, क्योंकि ये अगर किसी को समझ में आ जाना चाहे तो वो दुनिया में जमीन पर बहलोल बनकर जन्नतें बांटता फिरता है, और अगर समझ में ना आना चाहे तो इमाम शाफई जैसा बड़ा आलम भी ये कहते हुए मर जाता है कि माता शाफई व लैसा यदरी अलीयुन रब्बहु अम रब्बहुल्ला, के शाफई मरते मरते मर गया मगर ना जान सका अली उसका रब है या अल्लाह उसका रब है। ये शेर इमाम शाफी की कब्र पे आज भी लिखा हुआ है कि माता शाफी पर यदरी अली जो रब्बहु अम रब्बहुल्ला, यानी शाफी ने इमाम अली के बारे में इतना सोचा, इतनी तहकीक की, आखिर में कलम तोड़ के रख दिया कि अली मेरी समझ से भी बाहर है। और जिसे अली थोड़ा समझ में आ जाए तो वो जमीन पर अल्लाह के बंदों में जन्नत बांटता फिरता है, दुनिया वाले उसे महलूल कहते हैं। इन लफ्जों पर आपने गौर किया कि अली समझ में आ जाए तो बंदा अल्लाह के बंदों को जन्नत बांटता फिरता है। तारीख के लिए बगदाद की गलियां थी, हारून रशीद की बीवी अपनी शाही सवारी पर बैठकर बगदाद में हवा खोरी कर रही थी, देखा कि दीवार के पास एक बहलोल बैठा हुआ है, दीवाना बैठा हुआ है, और जमीन से लकड़ियां उठाकर हल्के फुल्के पत्ते उठाकर एक घर बना रहा है। तो जुबैदा ने कहा कि बहलोल क्या बना रहे हो, उसने कहा कि जुबैदा जन्नत बना रहा हूँ, जन्नत बना रहा हूँ। उसने कहा जन्नत बेचोगे, कहा तुम खरीदोगी, उसने कहा अगर तुम बेचो तो खरीदती हूँ, कीमत क्या है। खुदा की कसम ये अगर जुमला रिवायतों में ना होता तो मैं मिंबर पर कभी गैर समझाने में रिवायत पढ़ता ही नहीं हूँ, ये रिवायत के लफ्ज है। जब उसने कहा कि जुबैदा तुम खरीदोगी, उसने कहा कीमत क्या है, कहा कि एक दफा सिद्ध के दिल से कहो अली जोन अली उल्ला। अब बहलोल ने जो वो घर बनाया हुआ था ना उसे समेट दिया, समेट के रुमाल में बंद किया, कहा जुबैदा ले जन्नत ले जा। अब सुनिए दूसरा जुमला, अब जुबैदा ने उसको रखा ला के अपने घर में, अपने कमरे में, अपने सराहाने के पास उस रुमाल को रख दिया। अब ख्वाब देखती है, अब ख्वाब देखती है कि मैं जन्नत में हूँ, बड़े तख्त पर बैठी हुई हूँ, बड़ा अर्श है, सैकड़ों गुलाम और कलीजे हैं, इर्द गिर्द हवा कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। एक कलीज ने आकर पूछा, आखिरी जो नए कलीज ने आकर पूछा, उसने कहा कि जुमैर तेरी बड़ी किस्मत थी कि तू जमीन पे भी मलका थी, तू जन्नत में भी मलका बन गई है। अब तेरी बड़ी किस्मत है, तू जमीन पे भी मलका, तू जन्नत में भी मलका, तू ये बता तुझे ये दोनों शरफ कैसे हासिल हुए कि तू जमीन पे भी मलका है, तू जन्नत में भी मलका बन के आई है।
کہا کہ زبیدہ نے جواب دیا میں زمین پر ملکہ اس لیے تھی کہ بادشاہ کی بیوی تھی، جنت میں ملکہ اس لیے ہوں کہ علی کی کنیز بن کر آیا۔ تو یہ میرا گرام کے لوگ بہت سے واقعات ہیں، ان میں سب سے ادنا واقعہ یہی ہے کہ اگر ہمیں بہلول کی بنائی ہوئی ہاتھوں کی چھوٹے چھوٹے لکڑی کے پتوں کی جنت بھی میسر آ جائے، اور اس کی قیمت کیا بتائی بہلول نے، علی بن ولی اللہ۔ اور یقین مانیے کوئی اس بات پر اتفاق کرے یا نہ کرے، یہ عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ حق ہے، یہی عقیدہ حق ہے۔ کیونکہ شب معراج کی بھی روایت ہے، مبعث کی بھی روایت ہے، دونوں واقعہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں کہ پہلی وحی نازل ہوئی 27 رجب کو یا معراج ہوئی، دونوں واقعات اللہ کے رسول کے مخصوص ہیں کہ پہلی وحی نازل ہوئی تو بھی اللہ کے رسول پر معراج پہ تشریف لے کر اللہ کے رسول اکیلے تھے، یعنی اس وحی کے نازل ہونے میں کوئی اور شریک نہیں تھا، معراج پر گئے ہیں تو اکیلے گئے ہیں، کوئی شریک نہیں تھا۔ لیکن کمال یہ ہے کہ جہاں پر پہلی وحی کے واقعے کا اختتام ہوتا ہے وہاں بھی علی ہے، اور جہاں سفر معراج اپنی معراج پر پہنچتا ہے وہاں پہ اگر لہجہ نظر آتا ہے تو علی کا نظر آتا ہے، یعنی اگر وحی پہلی نازل ہوگی محمد پر تو نتیجہ علی کی صورت میں ملے گا، اور اگر معراج پر محمد اکیلے جائیں گے تو وہاں بھی پردے سے علی کا لہجہ نظر آئے گا، یعنی پروردگار کی رسالت میں آپ کی پہلی وحی سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک کا سفر جب علی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا ہے، تو آپ کی اور ہماری عبادتیں اور عقیدہ علی کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ امام موسیٰ کاظم مدینے میں تھے، اب سنیے جملے، مدینے میں تھے اور جب آپ نے مناظرہ کیا تھا جو میں نے بیان کیا ہارون رشید کے ساتھ، تو ہارون کو برا لگا، اس نے امام کو گرفتاری کا حکم دیا، آپ کو سپاہی گرفتار کرنے کے لیے آئے۔ اس وقت امام مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہے تھے، اور عجیب جملہ ہے، کہا جب نماز ادا کر رہے تھے، اب امام کی نماز طویل ہوتی تھی، اب یہ سپاہی جلاد کھڑے ہوئے ہیں، اب تاریخ کے لفظ ہے کہ امام ابھی حالت سجدہ میں تھے کہ ظالم نے آگے بڑھ کے آپ کے ہاتھوں میں زنجیر پہنا دی، آپ کے پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی، اور جب امام اٹھے ہیں تو اللہ اکبر کی آواز کے ساتھ زنجیر کی آواز بھی آئی، اور کہا جب امام دوبارہ سجدے میں گئے تو ظالم زنجیر کو کھینچتا تھا کہ نماز ختم کر لے کے جانا کرے۔ اب ایک جملہ سنیں کہ تاریخ یہ کہتی ہے جب امام نے نماز ختم کی اور اس موقع پر اس نے کہا کہ حاکم کا حکم ہے آپ کو بغداد لے کے جانا ہے، امام نے فرمایا کہ میرا گھر مسجد سے چند قدم کے فاصلے پر ہے، مجھے اتنی مہلت دو کہ میں اپنے گھر والوں سے ودا کر کے آتا ہوں۔ تو قریب کھڑا ہوا ایک شخص تھا جو مدینے کا باسی تھا، اس نے کہا کہ آپ کے گھر میں کون ہے، آپ کس کے لیے جانا چاہتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آئے، امام نے کہا تجھے پتا ہے میری 19 بیٹیاں ہیں، امام کے 18 بیٹے اور 19 بیٹیاں تھیں۔ ہزاروں میں ایک جملہ اپنے سامعین کی نظر کر دوں، دیکھیے دنیا بڑی تیزی سے تبدیل ہو گئی ہے، سب کہتے ہیں کہ ترقی کا زمانہ ہو گیا ہے، لیکن ترقی کے زمانے میں ہماری نماز کا طریقہ وہی پرانا ہے، ہماری اذان کا طریقہ وہی پرانا ہے، اس ترقی نے ہماری عبادت کو تبدیل نہیں کیا، اس لیے یہ نہ سمجھ کے روئیے گا کہ نیا زمانہ ہوا ہے ہم کیسے روئیں گے، آل محمد کے ہم وہی پرانے چلنے چلے آ رہے ہیں، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ تازہ ہو رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ 1400 برس پہلے کا ہم واقعہ پڑھتے ہیں ہماری آنکھیں بے اختیار کیوں رو پڑتی ہیں؟ کہا یہ اس لیے رو پڑتی ہے کہ پردہ غیبت میں ایک مظلوم بیٹھا ہوا ہے جو آنکھوں سے خون بہا کر کبھی مدینہ یاد کرتا ہے، کبھی کوفہ یاد کرتا ہے، کبھی کربلا یاد کرتا ہے، کہ جو آج زمین پہ ہم گریا کرتے ہیں یہ ہمارے وقت کے امام کے آنسوؤں سے ملتے ہوئے ہیں، کہ میرے وقت کے امام جب کربلا کو یاد کرتے ہیں تو ہر روز آ جاتا ہے کہ ہر عاشور کو امام یہ جملہ کہتے ہیں، والا اب کینا علیکا بدل دموں اے دمن، اے میرے مظلوم جد میں آپ پر آنسوؤں کی بجائے اب خون بہاتا ہوں، کہ کب خدا
मौला मुझे इजाजत दे, मैं जाकर अब फातिमा से लेकर हसन अस्करी तक सबका बदला लूं। लिहाजा ये ना सोचिएगा कि नया जमाना है तो हम क्यों किया करें, ऐसे किया करें जैसे इमाम का जनाजा आपके सामने रखा हुआ है। हजारों तारीख कहती है इमाम ने कहा जालिम तुझे खबर नहीं है मेरी 19 बेटियां हैं, मैं अपनी बेटियों से विदा करके आऊं, उन्हें इतना तो बता दूं आपका बाबा आपके पास वापस नहीं आएगा। तभी जुमला सुना, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सिपाही आए थे ना, उन्होंने कहा कि मूसा हम आपको नहीं जानते, इस मस्जिद में कोई ऐसा है जो आपकी जमानत दे कि अगर आप घर जाएंगे तो वापस आ जाएंगे। अल्लाह जाने ये किस मजबूरियत का जुमला के मदीने में मस्जिद नबवी में रसूल के बेटे को जमानत देनी पड़ गई। मोहम्मद के बेटे से जमानत मांगी जा रही थी। अदालतों ये हैरत इसलिए नहीं हुई कि यही वो मस्जिद थी जहां आज मूसा काज़िम से जमानत मांगी जा रही है, कल यहां मोहम्मद की बेटी से उसके हक के लिए गवाह मांगे गए। कोई जमानत देने को तैयार न हुआ। आखिर मस्जिद के दरवाजे के पास एक बूढ़ा आदमी करीब आया, उसने कहा कि मैं जमानत देता हूँ कि अगर ये वापिस ना आए इसके बदले मुझे ले जाना। उस शख्स ने सवाल किया कि इस तरह तो कई तरफ देखा भी नहीं था, तू क्यों जमानत देता है? अब जुमला सुनेंगे। उस शख्स ने कहा कि मैं एक अरसे से मदीने में रहता हूँ, मुझे आज पता चला कि इसकी तो बेटियां भी हैं। इनके कैद खानों में इमाम को अजीब कैद दी गई,
بہت سارے واقعات آپ نے سنے ہیں، کبھی فاحشہ عورت کو بھیجا گیا، کبھی درندہ جانوروں کو بھیجا گیا، کئی کئی دن امام کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ اور ایک عظیم جملہ سمجھیے، ایک مرتبہ فضل بن ربی کا واقعہ کیوں امام نے اس کو یاد کیا؟ ایک مرتبہ فضل بن ربی امام کے چڑھ خانے کے دروازے پر آ گیا اور جانتے ہیں کیا سوال کیا؟ کہا کہ موسیٰ کاظم، میں نے سنا ہے تمہارے جد حسین کی ایک بیٹی سکینہ تھی۔ کہا موسیٰ مجھے سکینہ کا واقعہ تو سناؤ۔ کہا میں نے سنا ہے شمر اسے تماچے مارتا تھا۔ کہا میں نے سنا ہے اس کو تازیانے لگتے تھے۔ اب وہ جناب سکینہ کے بعد ہونے والے ظلم سناتا رہتا اور امام صبر کرتے، جب کچھ دیر گزرتی وہ دوبارہ آتا کہ موسیٰ میں نے سنا ہے تمہاری دادی زینب ہوا کرتی تھی جسے شمر تازیانے مارتا تھا۔ اب وہ باری باری آ کر امام کے سامنے مقدر آتے عصمت کے نام لیتا اور ان پر ظلم بیان کرتا۔ اللہ تاریخ کہہ کے مداخل جملہ سنیے گا، جب امام کو سندھی میں شائق کے قید خانے میں قید کیا گیا نا، یہ قید خانہ کیسا تھا؟ کہا یہ قید خانہ ایسا تھا کہ جس میں امام سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اس میں امام سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ کہا ڈھائی تین برس امام اس قید خانے میں رہے اور سیدھے کیوں نہیں کھڑے ہوتے تھے؟ کہا کہ چھت سے لے کر نیچے زمین تک سندھی بن شائق نے لوہے کی سلاخیں لگائی ہوئی تھی کہ جیسے ہی امام قیام کے لیے کھڑے ہوتے امام کے جسم پہ لوہے کی سلاخیں لگتی اور دائیں بائیں دیواروں پہ لوہے کی سلاخیں لگا دی گئی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دی گئی اور دروازہ ایسا کھولا گیا کہ صبح سے لے کے شام تک سورج کی حرارت امام کے جسم پہ پڑتی رہتی۔ میرے بار میں امام فرماتے ہیں، میرا سلام بغداد کے اس قیدی پر جس کے جسم کا گوشت لوہے کی زنجیر کھا گئی۔ اللہ اور سندھی بن شائق کے ذریعے امام کو زہر دیا گیا۔ آخری جملہ ہے، زہر دیا گیا اور دس خوشبوؤں کے ذریعے۔ ایک روایت اگر مجھے اجازت دے دینا بیان کر دوں، ہمیں پتا ہے مولا کائنات کو ہرملا نے ضربت ماری، ہمیں پتا ہے امام حسن مجتبیٰ کو جودہ نے زہر دیا، ہمیں پتا ہے امام حسین کو شمر نے شہید کیا، ہمیں ہر امام کا پتا ہے، اس کے قاتل کا بھی پتا ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ قتل کیسے کیا گیا۔ امام حسین کاظم کی مظلومیت یہ ہے کہ امام کی شہادت کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، کوئی کہتا ہے ایسے مارا گیا، کوئی کہتا ہے ایسے مارا گیا۔ اللہ روایتیں بیان کر دوں، ایک شخص کی روایت ہے کہ سندھی بن شائق نے امام کو ایک کپڑے کے اندر لپیٹا، اتنی مضبوطی سے کپڑا بند کیا کہ امام کا دم اٹھ گیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ کو کھجوروں میں زہر دیا گیا۔ اور جو تیسری روایتیں سنو گے، کہتے ہیں امام کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، امام کے ہونٹوں کو کھولا اور گرم ابلتا ہوا سیسا امام کے ابلتا ہوا سیسا امام کے ہاتھ میں اٹھے دیا گیا۔ امام کی شہادت ہوئی، جب امام کی شہادت ہوئی کچھ مزدوروں کو بلایا گیا کہ کہا اس قیدی کو لے جاؤ۔ اب جملہ سنیں گے، بغداد کی مسجد سے کیا آواز آئی؟ بغداد کی مسجد سے آواز آئی کہ قید خانے میں ایک بے وارث مر گیا ہے۔ اجرم اللہ، میں کہتا ہوں کاش اتنے لوگ جو اس مسجد میں موجود ہیں کاش اتنے ہی وہاں پر ہوتے، امام کا جنازہ اٹھا لیتے۔ کچھ مزدور آئے امام کا جنازہ اٹھایا، کہتا ہوں میرا یقین ہے امام کا جسم ہلکا تھا جن زنجیروں میں۔